हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ सिटी। फ्रेंड्स, आज हम बुखार या फीवर के बारे में जानेंगे कि क्यों बुखार होता है, इसके कारण क्या हैं और कैसे इसको उपचार करके जल्दी से जल्दी बॉडी को रिकवर किया जा सकता है। आज हम बड़ों के बुखार के बारे में बात करेंगे। बच्चों को अगर बुखार हो तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसको आप देख सकते हैं। बुखार क्यों आता है, किस कारण से आता है, पहले तो हम ये जानेंगे। बुखार कई कारणों से आ सकता है। एक तो मेन कारण सीजन की वजह से, जैसे वातावरण चेंज होता है, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, या बरसात का मौसम आता है, कुछ भी हो, जब वातावरण चेंज होता है, खांसी जुकाम सर्दी और बुखार आने की संभावना ज़्यादा होती है। या फिर कई लोग क्या करते हैं, जैसे गर्मी का मौसम है, पसीने में लथपथ होके आते हैं, तो एकदम से ठंडा पानी पी लेते हैं बिना रेस्ट के, बिना पसीना सुखाए, तो उस अवस्था में भी हमारा गला एकदम से उस चीज़ को पकड़ लेता है। तो क्यों पकड़ता है, ऐसे क्यों होता है? जब भी हम पसीने में नहा लेते हैं या पसीने में ठंडा पानी पी लेते हैं, तभी एकदम से गले में खराश होनी शुरू हो जाती है। तो उसके साथ साथ जुकाम भी हो जाता है, खांसी भी होने लगती है और फिर फीवर आने लगता है। आपको ये बता दूं कि हमारे गले की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यानी कि पतली चमड़ी होती है जो गले के अंदर, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो वायरस होते हैं वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो जैसे ही हमने एकदम पसीने में आके ठंडा पानी पी लिया या पसीने में नहा लिए, तो एकदम से जो पतली चमड़ी होती है वो इरिटेट हो जाती है। इरिटेट होने से जो वायरस होते हैं वो एकदम अटैक करते हैं। जब भी कोई चीज़ कमज़ोर पड़ती है, आपने खुद ही देखा होगा, जब हम कमज़ोर होते हैं हमें डर लगता है, हमारे मन में ये आ जाता है कि नहीं भूत है, या हमें डर लगने लगता है। जब हम मजबूत होते हैं तो वो सारी चीज़ें गायब हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर भी है, जब भी कोई भी चीज़ कमज़ोर पड़ती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वायरस एकदम से सक्रिय होने लगते हैं और वो अटैक करते हैं। तो जब बॉडी फाइट करती है उस वायरस पे, फाइट करे, क्योंकि बॉडी का स्वभाव ऐसे ही है, वो फाइट करती है। जब भी कोई वायरस आता है, कोई बीमारी आती है, तभी वो फाइट करना शुरू करती है, तो बॉडी का टेम्परेचर हाई होने लगता है। जब बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, उसी चीज को बुखार बोलते हैं। तो इस बुखार को, जो वायरस के कारण होता है, उसको वायरल बुखार कहते हैं। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स वायरल बुखार, जैसे वातावरण के बदलाव के कारण होता है। एक बुखार होता है किसी बीमारी का, जैसे कि कोई बीमारी हो गई, हमको पता नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से भी हमें रोज रोज बुखार आता है, रोज रोज कई साइन बीमारी देती है कि आपको कमजोरी महसूस होगी, वो एक अलग चीज है। जैसे टीबी की बीमारी में पहले बुखार आएगा, आपको खांसी होगी, कमजोरी महसूस होगी, कपकपी आएगी, तो बुखार आना किसी बीमारी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। आज हम वायरल फीवर के बारे में बात करेंगे। कई बार आपको, जैसे आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, तो थकान की वजह से भी आपको बुखार आ जाता है, वो नॉर्मल बुखार होता है। तो मेन बुखार हमारा हुआ वायरल बुखार। तो वायरल बुखार में क्या करें, वायरल बुखार में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपको खांसी भी आ सकती है, सर्दी जुकाम, नाक बंद हो जाती है, इतनी कमजोरी लगती है, अगर आप लेट के उठते हो तो उठा नहीं जाता, जब आप लेट जाते हो तो ऐसा मन करता है कि लेटे ही रहे, लेटे ना कुछ खाने का मन करता है, बहुत बुरी फीलिंग होती है, और फीवर इतना ज़्यादा कि पूरा शरीर गर्म हो जाता है, तब आपको क्या करना है, तब आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। एक तो आप हड़बड़ाइए मत, कि आप हड़बड़ा के ही सोचने लगते कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा रिलैक्स रहिए। जब भी बुखार आता है तो क्या करते हैं, गोलियां लेने भागते हैं कि चलो जल्दी से गोली ले लो, बुखार को दबा दो। जब भी हम एलोपैथी से गोलियां लेते हैं, तो बुखार को दबाने के लिए हम ये काम करते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि इसकी जड़ क्या है, इसका कारण क्या है। अगर हम अपने इम्यून पावर को मजबूत करने के लिए, जो उस वायरस से फाइट कर रहा है, उसको मजबूत करने की कोशिश करें और ऐसी फूड्स का प्रयोग करें जो उसको इम्यून पावर को मजबूत करती है, तो खुद पे खुद बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तो हम करेंगे नहीं, हम ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, या चाय कॉफ़ी ऐसी चीज़ें कुछ ले लेते हैं, दिन भर पड़े रहते हैं और दवाई पे दवाई खाते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ऐसे फूड प्रयोग करिए, चाहे आपका मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए जिससे आपकी इम्यून पावर बढ़े और उसको ताकत मिले जर्म से लड़ने की। आप देखें कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। जैसे ही आपको लगे कि आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है, ये सब साइन आपको नजर आ रहे हैं, वायरल फीवर आपको लग रहा है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको फ्रूट्स खाने हैं, हरी सब्जियां होती है उनका सेवन करना है, फ्रूट जूस ले सकते हैं, मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन गुनगुना, और गुनगुना पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। जितना आप पानी पियेंगे उतना ही आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि पानी होता ही इसलिए है, हमारी बॉडी से गंदगी को निकालता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत ज्यादा फीवर है, तो पानी आपको बहुत ज्यादा पीना है, गुनगुना पानी, तो जल्दी से जल्दी आपका बुखार ठीक होने लगेगा। फिर आपको होम रेमेडीज क्या करनी है, जैसे कि आपके घर में अगर तुलसी है, शाम तुलसी जिसको बोलते हैं,
आप 2-3 दिन तुलसी का सेवन कर सकते हैं, तुलसी का जूस निकाल के उसको शहद में मिलाइए, एक एक चम्मच 3 बार लीजिए, फिर आप देखेंगे उससे बहुत जल्दी आप रिकवर होने लगेंगे। फिर अगर आप पुदीना है आपके घर में तो पुदीनों को पानी में उबाल लीजिए, उस पानी का सेवन करिए, गुनगुने पानी का कई बार आप दिन में सेवन करिए। धनिया है तो धनिया के पानी का भी सेवन कर सकते हैं। सभी चीज़ें नहीं करनी है लेकिन 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई भी 2-3 चीज़ें जो आपको पसंद आए वो कर सकते हैं। आपके घर में अगर फ्रेश लौकी है तो फ्रेश लौकी का जूस ले सकते हैं, वो भी अच्छा है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। फिर आपके घर में किशमिश और बादाम है तो उनको पानी में भिगो दीजिए, पानी में भिगो के या तो रात को भिगो दीजिए और सुबह आप बादाम से छिलका उतार के किशमिश दोनों खाइए, ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। आपके आसपास अगर नीम है तो नीम की 4-5 पत्तियाँ फ्रेश ले लीजिए, या तो उनका ऐसे चबा लीजिए या नीम के पत्तों का काढ़ा बना लीजिए, उसको आप एक बार आँख बंद करके पी लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। अदरक और काली मिर्च की चाय भी बनाकर पी सकते हैं। अदरक और काली मिर्च को पानी में उबाल लीजिए, अच्छे से उबालिए, जब वो पानी गुनगुना हो जाए, तेज गर्म ना रहे, तब उसमें शहद मिला लीजिए, शहद नहीं है तो गुड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं, गुड़ मिला लीजिए और उसको सिप सिप करके 2-3 बार आप पी सकते हैं। उससे आपके गले में भी आराम मिलेगा, अगर आपको खांसी है, खराश है, जुकाम है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपकी नाक बंद हो रही है, बहुत ज्यादा नाक बंद हो रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आपके घर में देसी गाय का घी हो, वैसा घी नहीं होना चाहिए जैसे आप मार्केट से ले आते हैं, तो वो घी नहीं होना चाहिए। अगर घर का बनाया देसी घी हो तो उसको गुनगुना करके एक एक बूंद या दो दो बूंद नाक में डाल लीजिए, 2-3 बार आप नाक में डाल सकते हैं। आप एक बार इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, तब आपको फील होगा कि ये कितना अच्छा है। अगर गाय का घी नहीं है तो आप बादाम रोगन लेकर आ जाइए, बाजार से आपको बादाम रोगन मिल जाएगा, वो लेकर आइए, उसकी 2-3 बूंदें दोनों इधर भी और उधर भी आप डाल लीजिए नाक में, 2-3 बार करेंगे, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लीजिए, 2-3 दिन लगातार करिए, 5-10 मिनट तक, आप देखिए आप कितने जल्दी अच्छे हो जाएंगे और ये सब बीमारी आपको दूर भागती नजर आएंगी। अगर खांसी ज्यादा हो रही है, आप शहद में काली मिर्च और अदरक का रस का आप सेवन करिए, आधी आधी चम्मच या एक एक चम्मच 2 टाइम ले लीजिए, तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा आपको फायदेमंद है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, सारे प्रयोग एक साथ मिलकर नहीं करने हैं, 2-3 कोई भी आप ले लीजिए, वो आप कर सकते हैं तो आप बहुत जल्दी ठीक होने लगेंगे। फिर फ्रेश फ्रूट ले लीजिए, सबसे अच्छे तो फ्रूट होते हैं जैसे कि पपीता हो गया, सेब हो गया, इनका आप सेवन करेंगे तो ये इम्यून पावर को बढ़ाते हैं और बहुत जल्दी आपको ठीक कर देंगे। एक चीज़ और बता दूँ कि जब भी आपको तेज बुखार हो तब आप अन्न कम से कम लीजिए, जैसे रोटी है, चावल है, उसका सेवन कम से कम करिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो हील करती है। जब भी कोई वायरस या जम्स या बीमारी बॉडी के अंदर आती है तो वो पहले उससे फाइट करती है, उसको कोई भी अपने मार्ग में उसको अवरुद्ध करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। जैसे हम खाना खा लेते हैं तो बॉडी को फिर उसको पचाने में काम करना पड़ेगा, तो बॉडी उस साइड चली जाती है क्योंकि उसको तो भोजन को भी पचाना है, तो वो उस काम में लग जाती है, वो उस काम से हट जाती है। लेकिन जब हम खाना नहीं खाते, अन्न नहीं खाते हैं, तो वो उसी काम में लगी रहती है कि नहीं, इस बीमारी को मुझे बाहर निकालना है, इस जर्म्स को बाहर निकालना है, या इस वायरस को अलग करना है, बॉडी से अलग करना, वो हील करती है। और जब हम ऐसे फूड का सेवन करते हैं जो हमारी बॉडी की इम्यून पावर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, ताज़ी सब्जियाँ हो गई, सब्जियों के जूस हो गए, और ये तुलसी आदि का सेवन हो गया, तो ये सभी चीज़ें बॉडी की इम्यून पावर को बढ़ाती है, तो वो उसमें सहायक करती है। जैसे बॉडी फाइट करती है तो ये और ज़्यादा इम्यून पावर को मजबूत करती है और जल्दी हमारी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। एक सावधानी आपको बता दूं, अगर आप 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ठीक नहीं होते हैं या आपको कोई रिकवरी आपके अंदर नहीं लग रही है, बल्कि और ज़्यादा आपको बीमारी बढ़ती नज़र आ रही है, खांसी आदि है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और खांसी तेज होती जा रही है, या कोई और सिम्टम नज़र आ रहे हैं, रैशेज आ रहे हैं, खुजली आ रही है, या कुछ भी और चीज़ें लग रही हैं आपको, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए कि आपको फीवर किस कारण से हुआ है या कैसा फीवर हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फिर अगर आपको किसी बीमारी के कारण फीवर हुआ है तो बीमारी के उपचार भी फ्रेंड्स आयुर्वेद से किए जा सकते हैं, और आयुर्वेद से बहुत जल्दी आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सावधानी से परहेज करते हैं और जो भी आपको नियम बताए जाते हैं उनका पालन करते हैं, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर आपको फीवर आता है, घर पर आपके दवाइयाँ पड़ी रहती है, पुरानी पड़ी रहती है, और बिना डॉक्टर की सलाह के
कोई भी दवाई मत लीजिए फ्रेंड्स, वो आपके लिए और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और ज़्यादा बीमारी को बढ़ा सकती है, तो उनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इन सब नियमों का पालन करते हैं और अच्छे से जब भी आपको बुखार आए आराम करते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, फ्रूट्स आदि खाते हैं, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप देखेंगे कि बुखार आने के बाद भी आपको 3-4 दिन के बाद आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको बुखार आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो मैं आगे भी लाती रहूँगी, तब तक के लिए बाय।